अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एफएसआईटी न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक, पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। सिमको मॉडर्न बेकर्स पेश करते हैं नए साल के मौके पर एक धमाका ऑफर। अब पेश है 500 रुपए वाला लजीज पाइनएप्पल व स्ट्रॉबेरी कूल केक सिर्फ 300 रुपए में। जी हाँ, केक की तैयारी में 50 साल का तजुर्बा रखने वाले सिमको मॉडर्न बेकर्स अब नए साल 2023 के मौके पर महबूब नगर की आवाम के लिए लाए हैं बड़ी पेशकश। 500 रुपए वाला बेहतरीन लजीज पाइनएप्पल व स्ट्रॉबेरी कूल केक अब सिर्फ 300 रुपए में। सिमको मॉडर्न बेकर्स, सिमको मॉडर्न बेकर्स। एफएसआईटी सिक्योरिटी सिस्टम्स, वी प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ सीसीटीवी कैमरा सेल्स एंड सर्विसेज इन होलसेल प्राइसेस। एफएसआईटी सिक्योरिटी सिस्टम्स, अपोजिट चाचा बुट्टा मस्जिद, महबूब नगर। ओपन प्लॉट्स पर पानी जमा होने से प्लॉट्स के मालिकीन को हो रही मुश्किलात के मसले को हल करने के लिए वजीर श्रीनिवास गौड़ को याददाश्त। महबूब नगर शहर बल्दिया हदूद के वार्ड नंबर 5 इनगुंडा इलाके में तकरीबन 5 सर्वे नंबर्स पर वेंचर डालकर 25 से 30 साल कबल प्लॉटिंग की गई है, जिसमें तकरीबन 1000 से ज़ायद प्लॉट्स की खरीदी की गई। प्लॉट्स खरीदे हुए वक्त पानी जमा होने की किसी तरह का मसला नहीं था, लेकिन कुछ यौम से पास में मौजूद तालाब की चादर को बढ़ाने और तोम का रुख तब्दील करने से प्लॉट्स पर पानी जमा हो रहा है। जिस मसले को हल करने के लिए मुतासर प्लॉट मालिकीन के एक वफद ने वजीर श्रीनिवास गौड़ को याददाश्त पेश की, जिस पर वजीर श्रीनिवास गौड़ ने इस मसले को हल करने के तयकून दिया। वार्ड नंबर 5 येनगोंडा एरिया लो सर्वे नंबर इंचुमिंचु 15-20 सर्वे नंबर दांट्लो 5 वेंचर्लु चेसिनारु। आ वेंचर्लल्लो मेमु प्लाट्लु कोन्नाम 1500 प्लाट्लु, దాంట్లో 1000 ప్లాట్లు కొన్నారు, ఇంకా 500 ప్లాట్లు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. అయితే మేము కొన్నప్పుడు చాలా క్లియర్గా క్లీన్గా ఉండేది, సబ్మెర్జ్ కాకుండా వాటర్ రాకుండా ఉండేది, ఇంత నీట్గా ఉండేది. అదంతా చూసి పట్టా ల్యాండ్స్ అని కూడా తెలుసు మాకు, అవన్నీ చూసిన తర్వాత కొన్నాము. తర్వాత అలుగు పెంచడంలో తూము మార్చడంలో ఆ వాటర్ ఎన్కీకి రావడం నుంచి మా ప్లాట్లన్నీ దాంట్లో మునిగిపోతున్నాయి. ఆ విషయం గురించి మినిస్టర్ గారికి అప్లికేషన్ ఇచ్చుకున్నాము. ఇంతవరకే 2 నెలల కింద ఒకసారి ఇచ్చుకున్నాము. అయితే మాకు భరోసా ఇచ్చినాడు ఆయన, అంతా బీద వాళ్ళు కొన్నారు, ఇన్స్టాల్మెంట్లో కొన్నారు, ఎవరికి నష్టం జరగనియను, ఖచ్చితంగా మీకు హెల్ప్ చేస్తా అని చెప్పినాడు. ఈరోజు కూడా మళ్ళీ అది గుర్తు చేస్తే నేను ఖచ్చితంగా నాకు గుర్తుంది, మళ్ళీ ఒకసారి మాట్లాడతాం మీ దగ్గర, ఈరోజు టైం లేదని చెప్పి తొందరగా వెళ్ళిపోయినందువల్ల ఆ డీటెయిల్గా మేమేం మాట్లాడలేకపోయినాము. మళ్ళీ ఒకసారి కలుమన్నాడు, మాట్లాడిన తర్వాత ఏం చెప్తాడు అనేది, ఏం జరుగుతుంది అనేది తర్వాత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాం. हम लोग ये एन गुंडे के तालाब के करीब में उससे वहाँ प्लॉट्स ख़रीदे थे, बहुत सारे वेंचर्स हैं वहाँ पे बने हुए, उसमें हम लोग भी प्लॉट ख़रीदे. जब हम प्लॉट ख़रीदे तो हम बच्चे क्रिकेट खेलते थे, पानी नहीं आता था. अब थोड़ा उसकी वो चादर बढ़ाने से, वो तुम पलटाने से वहाँ पानी जमने लगा है, और वो जो है सो फुल टैंक लेवल के उसमें ला लिए. तो अब हम MLA साहब से, हमारे डायनामिक MLA साहब से वो हम लोग गुजारिश कर रहे हैं, मिनिस्टर साहब से हम लोग ये गुजारिश करने के लिए ठहरे थे कि भाई हमारे प्लॉट्स की वहाँ हिफाजत करें कुछ तो हमारे लिए, इस वास्ते कि वो 20-30 साल पहले ख़रीदे हुए प्लॉट्स हैं, आज ख़रीदे हुए नहीं है. उस वक्त कुछ नहीं था, आज हो गया है उसका, गवर्नमेंट का एक उसका अपना प्रोग्राम बना के फुल टैंक लेवल करके कर दिए. इसके लिए हम लोग जो है सो साहब से दरख्वास्त करने आए थे, मिनिस्टर साहब से, और मिनिस्टर साहब अप्लीकेशन लिए भी हैं हमारा रिप्रेजेंटेशन, और वादा भी करे हैं कि हम लोगों से बात करेंगे और उस इश्यू को हल करेंगे. इसके लिए हम लोग मिनिस्टर साहब के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं. जज़ाक अल्लाह. आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें.